नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं cricket.com/tv का अनोखा सैटायर शो और मैं हूं आपका होस्ट जेमी ऑल्टर। अगर यहां बाय चांस पहली बार टपके हो तो हैरान मत होना मुझे हिंदी बोलते देखकर, बस झट से चैनल सब्सक्राइब करके फट से बेल आइकॉन दबा दो ताकि खट से हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं। शुरू करते हैं उस ऐतिहासिक आईपीएल फाइनल से जहां बहुत सारे क्रिकेट प्रेमियों को सालों से डर है कि T20 क्रिकेट और खासकर लीग्स टेस्ट क्रिकेट को खतरे में डाल चुके हैं। वहीं अहमदाबाद की बारिश ने फैंस को बताया कि दोस्तों टेंशन मत लो, मैं T20 क्रिकेट को भी टेस्ट क्रिकेट जैसे बना सकता हूं, क्योंकि ठीक जैसे इंडिया के अंदर आजकल ज्यादा टेस्ट मैचेस 3 दिन में खत्म होते हैं, ये आईपीएल फाइनल भी तीसरे दिन तक गया। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल फाइनल संडे को शुरू हुआ और ट्यूजडे को खत्म, और इस बीच स्टेडियम में भीगे फैंस को उतनी ही परेशानी हुई वेट करने में जितने के विदेशी क्रिकेट टीम के फैंस होते हैं जब वो इंडिया आकर अपनी टीम को 3 दिन के अंदर 2 बार आउट होते देखते हैं। रही बात फाइनल की, तो भैया CSK की इस जीत के बाद मुझे कोई डाउट नहीं है कि MS धोनी की टीम अब ऑफिशियली बेस्ट है इन द आईपीएल। द मैक्सिमम अपीयरेंसेस इन अ फाइनल, द जॉइंट मोस्ट टाइटल विक्ट्रीज लेवल विद MI, और जो टीम तुषार देशपांडे, महेश थीक्षणा और अंबाती रायडू के साथ इस साल ट्रॉफी जीत सकती है, बॉस उस टीम को मेरा सलाम। और इसलिए आई थिंक CSK आर ऑफिशियली द बेस्ट टीम इन द आईपीएल। और आखिर ये सिर्फ MS धोनी ही कर सकते हैं ना, ऐसे देखा जाए तो उल्टा CSK को इस बार टाइटल धोनी के लिए जीतना था, क्योंकि इस उम्र में और उस घोटने के साथ भाई धोनी उनके लिए टाइटल नहीं जीत सकते थे। और व्हाट अबाउट रविंद्र जडेजा, मुझे लगता है इनका रिडेम्पशन आर्क अब कंप्लीट हो चुका है। पिछले साल CSK के फैंस इनकी पूर परफॉर्मेंस और कैप्टेंसी को लेकर जडेजा के पीछे पड़ गए थे। इस साल जडेजा को ट्रोल किया गया क्योंकि जनता धोनी की बैटिंग देखना चाहती थी, मगर जडेजा ने सबको याद दिलाया कि क्यों वो सर जडेजा हैं। जब फाइनल के आखिरी 2 गेंदों पे 10 रन चाहिए और एक बंदा ठीक वही ला के देता है तो ऑफ कोर्स ही इज अ स्पेशल प्लेयर। और फाइनल जीतने के बाद जिस तरह से धोनी ने जड्डू को जमीन से उठाया, भाई साहब इतना इमोशन तो 16 साल में धोनी ने कभी नहीं दिखाया। मतलब इट टुक समथिंग रियली स्पेशल टू गेट धोनी टू डू मोर देन स्माइल एंड वेव टू द फैंस। और फिर जो विजुअल्स आए ऑफ जडेजा हगिंग हिज वाइफ, वो मुझे बहुत क्यूट लगे, मोर देन मेनी बॉलीवुड लव स्टोरीज टू बी ऑनेस्ट। पिछले 2 महीनों से काफी चर्चा हुई है कि क्या धोनी अगले साल वापस आएंगे CSK जर्सी में। पूरे सीजन हिंट्स ड्रॉप करने के बाद धोनी ने ट्रॉफी जीतकर कहा कि देखो जिस तरह से CSK के फैंस ने मुझे इस साल सपोर्ट किया, जितना प्यार दिखाया, मुझे लगता है कि अगले साल वापस आकर इन फैंस को एक गिफ्ट देना बनता है। वेल, जिस तरह से धोनी की हर कोई तारीफ कर रहा है, इंक्लूडिंग कैप्टन हार्दिक पांड्या हु लॉस्ट बोथ प्लेऑफ मैचेस टू CSK बट डिड नॉट सीम टू माइंड, I think anything is possible with MSD. He could come back as a player, as a mentor, as a dugout strategist, as a non-playing captain, as a motivational speaker, or even as the Indian version of Ted Lasso. And what a season Shubman Gill had. Wow, I mean, just incredible. गिल और यशस्वी जायसवाल की बैटिंग देखकर मैं तो सोच रहा था कि लोग पृथ्वी शॉ को लेकर इतने सालों से क्यों चिल्ला रहे थे। मतलब हैरानी होती है ये सोचकर कि 2018 के U19 वर्ल्ड कप में गिल और शॉ एक साथ थे और उसी साल शॉ ने इंडिया के लिए डेब्यू किया। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। 890 रन, 3 शतक, एक 94 नॉट आउट, 33 सिक्सेस, गिल ने एक के बाद एक ऐसी पारियां खेली कि सबको पीछे छोड़ दिया और खुद के बल्ले से RCB और MI को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। यार शुभी, कहां से लाते हो इतनी नफरत औरों के लिए? वैसे ही हैंडसम हो, इंस्टाग्राम पे छाए हुए हो, देश के सारे लड़कियों के दिल में समाए हो, स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज की अगली फिल्म में स्पाइडरमैन की हिंदी वॉइस बने हो, एक ही दिल है भाई, कितनी बार जीतोगे? Now, while CSK are the toast of the IPL and runners-up Gujarat Titans can hold their heads high after reaching the final and pushing CSK to the limit, the same cannot be said about 5-time winners Mumbai Indians. चलो ठीक है, एक थर्ड रेट बोलिंग अटैक को लेकर टीम प्लेऑफ्स तक आ तो गई, मगर बॉस चल क्या रहा है इस टीम के अंदर? और ये क्रिस जॉर्डन को लेकर रोहित शर्मा क्या सोच रहे थे? खुद तो बंदा हर मैच में रन खाता गया, एक बार बैटिंग आई तो उसने गेंदे वेस्ट किए और फिर
फिर क्वालिफायर टू में जॉर्डन ने खुद के टीममेट ईशान किशन को इंजर्ड कर दिया। मतलब ये मुंबई के लिए खेलने आया था या दूसरी टीम के लिए? तुम बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहे। दुखी क्यों? जाने अनजाने में कहां से कहां तक आ पहुंचे हम, फाइनल्स में ना पहुंचने का दुख तो हुआ होगा। थैंक गॉड, दुख से ज्यादा गर्व है। काफी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस थे इस ईयर। तुम्हारा फेवरेट? सभी के लिए सूर्या ग्रीन तिलक गॉड लाइक होंगे, लेकिन मेरे लिए था क्रिस जॉर्डन। वाज ही दैट गुड? गुड, ही वाज गॉड दिस सीजन। मिड सीजन में धमाकेदार एंट्री, बैक टू बैक 50s, 79 का एवरेज, क्राउड में कड़क फील्डिंग एंड डेथ ओवर में छप्पर फाड़ रन। पर 100 तो गिल ने मारा, राइट? मारना पड़ा, वरना स्वेयर टू गॉड जॉर्डन ही जीत जाता ऑरेंज कैप। जॉर्डन जैसा प्लेयर भगवान हर अपोजिशन टीम को दे। वो सब ठीक है, बट व्हाट अबाउट रोहित शर्मा? जिस भगवान ने जॉर्डन के लिए आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो ना, उसने रोहित शर्मा का कमबैक लिखा ही होगा यार। अच्छा इसलिए। स्टेइंग विद मुंबई इंडियंस, बॉय व्हाट अ बैड सीजन दिस वाज फॉर रोहित शर्मा। Pure heart facts. You can justify it by doing all mental gymnastics, saying he's his intent merchant, Rohit 2.0 and all that bullshit. But the truth is that he is just that camera. Camera is there. He is just hogging a spot in Mumbai Indians' 11 just because of his name and because he's captain. That's the only reason. It's a joke that he's played like 300 matches, almost an IPL, 250 matches or whatever, and he's averaging below 30. That is embarrassing. And what is a satire video on the IPL without another mention of RCB? ये देखो दोस्तों, RCB, I mean RCB के fans की हालत। Sir, ना दिने ऐसा दिनी sir, let's dissolve this management. Fans को कोडली team ना, we'll build the team. Funds raise मर्ड बेका, और गिन तात्रश raise मरती भी sir, funds ना, team मर्ड बेका, ना मरती भी. Don't give us 15-16 years, give us 5 years. ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೀಸನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಏನ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂತ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡೋದು ಬೇಡ. ಅದೇ ತರ ಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದೇ ತರ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಆ ತರ ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗದು ಸರ್. ಈ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ನೆಕ್ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ನಾವು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವೋ ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡೋದು ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಸರ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ನಮ್ಮದು ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ಸಲ ಕಪ್ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಪಾಪ ನಾನು ಚಲಿಯೇ ದೋಸ್ತು, ಆಜ್ ಕಿಲಿಯೇ ಇತನಾ ಹೀ, ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಬಜೆಟ್ ಬಹುತ್ ಛೋಟಾ ಹೈ ಅಪ್ನಾ. याद रखिए कि आईपीएल भले ही सीरियस बिजनेस हो, मगर है तो एक गेम ना, तो इसलिए मैं कहता हूं कि थोड़ा लाइक लो यार. अगली मुलाकात तक, दिस इज योर होस्ट जेमी ऑल्टर साइनिंग ऑफ.